नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल में पधारने के लिए। दोस्तों, ये जो एपिसोड है ये हम बुध पे लेके आ रहे हैं, सबसे छोटा ग्रह और जो सूर्य के बहुत करीब है। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है और जैसा कि बोला जाता है, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर, तो ये उसी तरह का ग्रह है। दिखने में छोटा है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसके घाव भी गंभीर होते हैं और इनके सुखद परिणाम भी गंभीर होते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बुध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के कारक हैं। बुध वाणी के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, शिक्षा भी महत्वपूर्ण है और व्यापार महत्वपूर्ण है, दोनों के कारक बुध हैं। इसके अलावा हमारी स्किन के कारक हैं, नसों के कारक हैं, सारी चीज़ें हम नस के संयोजन से करते हैं, तो हमारी नसों के कारक बुध हैं। वाणी के कारक, कुछ भी चीज़ एक्सप्रेस करना हो तो हम, अगर वाणी ना हो तो कितना असहाय असहज महसूस करता है कोई भी व्यक्ति, हाँ कैसे एक्सप्रेस करे, तो एक्सप्रेशन बुध के हाथ में है, शिक्षा बुध के हाथ में है, व्यापार बुध के हाथ में है, क्या कहने। आप खुद ही समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण ग्रह है बुध। इसको ग्रहों की जो कैबिनेट है उसमें राजकुमार कहा जाता है, सुकुमार राजकुमार कहा जाता है। और बुध प्रधान जो लोग होते हैं बहुत ही मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, बातों में बहुत प्रवीण होते हैं। उनका साथ आपको मिले तो आप कभी बोर नहीं महसूस करेंगे, हमेशा हास्य विनोदी स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसा जो ग्रह है बुध, वो 7 जुलाई को दोस्तों अपनी खुद की राशि में जा रहा है, मिथुन राशि में। और जब भी कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में जाता है तो बड़े परिणाम देता है, क्योंकि वहाँ पर वो मजबूत होता है और सबसे बड़ी बात वहाँ पर वो खुश होता है, प्रसन्न होता है। और अपनी प्रसन्नता में ग्रह लगभग सभी राशियों को सुखद परिणाम देते हैं, और राशियों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। 7 जुलाई से 25 जुलाई तक बुध मिथुन राशि में रहेंगे और आपकी राशियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करूंगा। ये जो महीना है दोस्तों, जुलाई का महीना, ये महत्वपूर्ण महीना है क्योंकि इसमें, जैसा कि मैंने बताया, बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क में जाएंगे। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 17 जुलाई को, वो कर्क से सिंह में जाएंगे। और 20 जुलाई को मंगल कर्क से सिंह में जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो अभी है, मंगल और शुक्र की युति, जिस पे मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, उसको भी ज़रूर देखिएगा। एक तो ये कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट, और दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है बुध के मिथुन राशि में जाने से, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। और बुध और सूर्य का बुधादित्य योग जिसकी भी कुंडली में है, जिन लोगों की भी कुंडली में, उनको ये काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर के आएगा उनके लिए। ये जो समय है 7 जुलाई से 16 जुलाई, तो इस समय पर आप अपने बुद्धि से संबंधित, व्यापार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। अगर कोई पेंडिंग काम थे, किसी को अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, शिक्षा संबंधित कोई, किसी को अपनी थीसिस जमा करना है, या इस तरह के कोई भी कार्य, स्कूल खोलना है, ये सभी कार्य अभी अच्छे से संपादित हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, इस बात को नोटिस मिलेंगे। दोस्तों, ये जो संचरण है ये देश और दुनिया पे क्या प्रभाव लेके आएगा, पहले इसकी चर्चा छोटी सी करता हूँ जल्दी से। चूंकि हमारे देश की राशि है वृषभ, लग्न वृषभ है और चंद्र राशि है कर्क, वृषभ के हिसाब से देखें तो ये जो बुध का संचरण है वो धन की प्राप्ति कराएगा, आनंद की, सुख की, वैभव की प्राप्ति कराने वाला है। और वाणी से संबंधित जो भी कार्य हैं वो संपादित होंगे इस समय पर, अच्छे अच्छे खाने भोजन की प्राप्ति कराएगा, विद्या की प्राप्ति कराएगा। तो इस समय पर हमारे देश में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं, नाम हो सकता है उनका। वार्ताएं जो रुकी हुई थी, जैसे कश्मीर से
कश्मीर के जो नेता हैं उनके साथ वार्ता और आगे बढ़ सकती है, किसानों के साथ वार्ता जो रुकी है उस संबंध में भी कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई के महीने की। और इस समय पर जनता से संबंधित, चूंकि जनता के भाव के कारक हैं सूर्य और बुध धन भाव के स्वामी हैं और वहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जनता के धन के मामले में कुछ बड़े निर्णय, कुछ अच्छे निर्णय, सकारात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे धन, जनता का भी धन कुछ बचे। महंगाई की आग जो लगी हुई है उसमें कुछ राहत मिले, ऐसी भी कुछ बातें इस समय पर हो सकती हैं, ऐसा हमको एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान खुल सकते हैं जो काफ़ी समय से बंद हैं, उनके खुलने की बात हो सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर का कारक है बुध, तो इंश्योरेंस सेक्टर हो या व्यापार हो उससे संबंधित कुछ अच्छी खबरें, कुछ अच्छी योजनाएं हमारे सामने आ सकती है। तो ये सब कुछ होने वाला है लग्न के भाव से अगर हम देखें। राशि से जब हम देखते हैं तो 12वें भाव में बुध जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव का जो स्वामी है 12वें भाव में बैठता है, तो विदेश के संबंध में कुछ गतिविधियां, विशेष विदेश से व्यापार आदि संचालित हो सकता है। स्वास्थ्य का कष्ट बढ़ सकता है, जैसा कि हमने 15 जुलाई से उसके बढ़ने का खतरा अपने पिछले वीडियो में बताया था, उसका भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और संबंधियों से अनबन, पड़ोसियों से अनबन, तो युद्धजनक जो परिस्थितियां हैं वो बनी रहेंगी जुलाई में भी, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। ड्रोन अटैक वगैरह जो हो रहा है, ये मंगल केतु का प्रभाव जो पिछले वीडियो में हमने बताया था वो अभी चलता रहेगा जुलाई में भी, और उसमें वृद्धि भी हो सकती है। और पड़ोसी देशों से कन्फ्रंटेशन भी बढ़ सकता है 7 जुलाई के बाद, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये सब कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि हमारे देश के संबंध में हो सकती हैं। और मिथुन राशि से संबंधित जो कई देश हैं, अमेरिका भी उनमें से एक है। मिथुन राशि उनके लिए बड़ी प्रभावी राशि है, उत्तरी अमेरिका है, रूस है, इन देशों का प्रभाव बढ़ेगा इस समय पर, चूंकि बुध अपनी राशि में जा रहे हैं ऐसा हमको लगता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और चंद्र राशि से मैं ये फल बताऊंगा, तो आप अपनी चंद्र राशि के आधार पे इसका फल देखिएगा। जिन राशियों के लिए खराब प्रभाव है, वैसे तो लगभग सभी के लिए अच्छा है, पर जिसके लिए भी खराब है उसके उपाय भी मैं बताऊंगा, तो वो उपाय आप करिएगा तो आपको इसमें ज़रूर राहत मिलेगी। तो इसको, इस ट्रांजिट को आप गंभीरता से लीजिए और आगे के हमारे वीडियो का आनंद लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए 6वें भाव का और 3रे भाव का स्वामी है बुध, और 3रे भाव में बैठेगा स्वग्रही बुध, तो कहीं ना कहीं आपके ऋण रोग शत्रु से आपको रक्षा करेगा, ऋण रोग शत्रु की कमी होगी आपके जीवन में। भाइयों के साथ थोड़ा विवाद हो सकता है, धन के मामले में कुछ आपका धन खर्च हो सकता है, और साहस आपको जुटाना पड़ेगा इस समय पर, क्योंकि 3रे भाव में बुध थोड़ा साहस में कमी लाते हैं, लेकिन चूंकि स्वग्रही हैं तो साहस जुटाने से साहस के कार्य आप कर सकते हैं, और मित्रों का सहयोग इस समय पर मिलता है, तो ये मिला जुला प्रभाव रहेगा इस समय पर। और आपके लिए सलाह कि आप गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। वृषभ राशि 2 नंबर राशि, इनके लिए 2रे भाव में बुध का संचरण आनंद की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति कराएगा। अच्छा भोजन आपको मिलेगा, अच्छे व्यंजनों का आप आनंद उठा सकते हैं। संभाषण से, वार्ता से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, अच्छे धन की प्राप्ति आपको कराएगा ये समय, तो आपके लिए ये विशेष फायदा देने वाला समय है, और इस समय आपका आकर्षण भी काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा।
दूसरों को प्रभावित करने वाले अगर कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो जरूर करें इस समय पर। मिथुन राशि के लग्न में स्वग्रही होकर के आ रहा है और भद्र नामक योग का सृजन करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके सम्मान में ये वृद्धि करा सकता है और वाहन आदि की प्राप्ति आप कर सकते हैं। वाहन खरीदना चाहते थे तो उसकी वो खरीदने का सही समय है, जमीन खरीदना चाहते थे तो वो खरीदने का भी सही समय है, और धन और विद्या की, धन की प्राप्ति तो नहीं, विद्या की जरूर ये प्राप्ति आपको करा सकता है ये समय, और आपके सम्मान को जैसा मैंने बताया बढ़ा सकता है। तो ये समय आपके लिए भी बहुत ही अच्छे फल लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के लिए 12वें भाव में बुध का संचरण है और 12वां भाव जैसा कि हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट लेकर के आता है, और मित्रों से आपके अनबन हो सकती है, संबंधियों से आपके अनबन हो सकती है, और विद्या में आपके बाधा आ सकती है, कहीं ना कहीं अचानक खर्च की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो ये जो संचरण है ये आपके लिए विशेष अच्छा नहीं है। पराक्रम हालांकि आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, तो अपने पराक्रम के द्वारा आप जो नेगेटिव्स हैं उसको काटने में सफल हो जाएंगे। 5वें नंबर की राशि सिंह राशि के लिए कहना ही क्या है, क्योंकि उनके 11वें भाव में बुध का संचरण हो रहा है और बुध उनके लिए धन के कारक ग्रह हैं, दोनों धन से संबंधित भावों के स्वामी हैं, तो खूब धन की प्राप्ति आपको इस समय पर ये कराएगा। खूब अच्छे मित्रों के साथ मनोरंजन, मित्रों का सहयोग और आमोद प्रमोद के अवसर आएंगे, काफ़ी बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, संतान के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये आपके लिए, और परिवार में सुख के क्षण आएंगे, सुख की अनुभूति होगी, तो आपके लिए ये धन, परिवार और एक समुदाय के में अपनी अच्छी पैठ बनाने का, अच्छी छवि चमकाने का अच्छा समय है, इसका उस विषय में जरूर आप सदुपयोग करें। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए जहां 10वें भाव में ये आएगा तो आपके लिए भी कहना क्या है, पद की प्राप्ति कराएगा। अगर आपका प्रमोशन या व्यापार में कोई एक्सपांशन बहुत दिनों से आप सोच रहे थे तो उसको कर डालिए, ये बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में ला सकता है। 10वें भाव में स्वग्रही बुध आपको भद्र योग और प्रबल भद्र योग की प्राप्ति करा रहा है, तो अब आप इसके लिए और किसी ट्रांजिट का इंतजार न करते हुए खूब इस समय का सदुपयोग करिए, अपने व्यापार को चमकाइए, अपने पद को चमकाइए। पिता के लिए भी बहुत अच्छा समय है ये, धन मान सम्मान की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई टूर करना चाहते थे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, या कोई अपना पब्लिकेशन प्रकाशित करना चाहते थे, सारा कुछ आप इस समय पर कर सकते हैं, तो आपको फ्री हैंड है। कन्या राशि वालों को बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रहा है। 7वें नंबर की राशि तुला राशि के लिए बात करें तो तुला राशि के लिए 9वें भाव में भाग्य भाग्य स्थान में आ रहा है, तो भाग्य की खूब प्रबल वृद्धि कराएगा, यात्रा के अच्छे योग बनाएगा, कुछ मानसिक परेशानी भी ये दे सकता है बुध का 9वें भाव में संचरण, और यात्रा में कुछ असुविधा भी दे सकता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। शास्त्रार्थ की परिस्थितियाँ ये बना सकता है, किसी मैटर पे आपको किसी से कुछ कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन जाए, कोई ऐसा इश्यू आ जाए जिसके लिए आपका शास्त्रार्थ हो, वैसा भी हो सकता है, तो इन सभी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बचिए, और सकारात्मक रूप में भाग्य वृद्धि से संबंधित जो कार्य हैं उनके लिए आगे बढ़िए, और यात्रा अगर कोई है तो उसको खूब अच्छे से प्लान करिए। वृश्चिक राशि के लिए 8वें भाव में स्वग्रही बुध जहां धन लाभ कराएंगे, पुत्र का सुख प्राप्त कराएंगे, वहीं शत्रु नाश, शत्रुओं पर विजय, इस तरह का फल ये देके आएंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा समय है। हाँ, थोड़ा धन लाभ के मामले में अगर 100 रुपये का लाभ होना था तो वो 80 रुपये ही आपको मिलेंगे, थोड़ा सा लाभ में कमी करा सकते हैं, शेष काफ़ी अच्छा फल लेकर के ये आपके लिए आ रहा है बुध का संचरण। अगली राशि जो है दोस्तों
धनु राशि के लिए सातवें भाव में बुध का संचरण पति या पत्नी के साथ थोड़ा मनमुटाव दे सकता है, शरीर को पीड़ा दे सकता है। और चूंकि बुध मार्केश है तो जिनकी कुंडली में महादशा के हिसाब से भी मारक चल रहा हो वो जरूर सावधानी रखें इस समय पर। अगर शरीर कष्ट चल रहा है तो बुध की शांति भी आप करा सकते हैं। स्त्रियों के मामले में भी इस समय पर विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। और राज्य की तरफ से भय हो सकता है आपको, धन का नाश हो सकता है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये मिला जुला या थोड़ा खराब ही फल है। धनु राशि के लिए सावधानी से इस समय को निकालें, बुध की शांति करें। हरी साबुत मूंग का दान कर सकते हैं आप, मंदिर में गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। मकर राशि की बात करें दोस्तों, तो इनके छठवें भाव में ये मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा, शरीर और मानसिक बल की प्राप्ति होगी आपको, शारीरिक और मानसिक बल आपको मिलेगा और उसका सुख भी मिलेगा। लेखन वगैरह से संबंधित या कोई पोएट्री वगैरह आप करते हैं तो उसमें आपको इस समय काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है, आपका नाम हो सकता है। मकर के बाद कुंभ राशि, 11वें नंबर की राशि, आपके लिए चूंकि पंचम भाव में आ रहा है तो प्रेम संबंध बना सकता है ये। हालांकि प्रेम संबंध से मानसिक पीड़ा होगी आपको, योजनाओं में थोड़ा उलझाव भी ला सकता है। हालांकि आप काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं इस समय पर बनाएंगे लेकिन उनमें थोड़ा उलझाव रहेगा तो सावधानी रखिए। और आर्थिक परेशानी, शेयर बाजार वगैरह के इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्ट करिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कुंभ राशि के लिए ये समय हालांकि आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाएगा और आप इस समय ऐसा सोच सकते हैं कि आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग या बड़ी बड़ी प्लानिंग करूं मैं, लेकिन आप सावधानी से करिएगा। मीन राशि के लिए चौथे भाव में संचरण बुध का आपको माँ के विषय में सुख समाचार, वाहन या जमीन का क्रय करा सकता है। जमीन जायदाद में आपकी वृद्धि हो सकती है, धन की प्राप्ति आपको कराएगा, सुखों में वृद्धि कराएगा, घर का सुख आपको मिल सकता है, घर में रहने का सुख प्राप्त होगा, घर के जो आनंददायक चीज़ें हैं उनका सुख आप इस समय पर कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। तो ये सुख को बढ़ाने वाला समय है मीन राशि के लिए। तो दोस्तों ये था आपकी राशियों के लिए बुध के संचरण का प्रभाव, और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, उसमें विलंब मत कीजिए। और इसी तरह से हमारे वीडियोस आगे भी देखते रहिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, प्रणाम।